क्या आप लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो इतनी मुश्किल ग्रामर जो कि हमें नज़र आती है, हम 12 टेंसेस देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइसेस आर्टिकल्स, इन तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम कहीं स्टक हो जाते हैं। अगर आप लोग डेली बेसिस पे लाइक जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी इंग्लिश कन्वर्सेशन डेली के डेली बेसिस पे बहुत अच्छी हो जाए और मेरी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाए, साथ के साथ मेरी रिटन स्किल्स भी अच्छी हो जाए और मेरे जो कुछ कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर को लेके हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आज की बेसिकली ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्टार्टअप लेना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों में सबसे मेन फोकस वो किस पे रखें और किस तरह वो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करेंगे और उसमें हम इंग्लिश किस तरह से सीख सकते हैं, किस तरह से अपनी अच्छी कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी आपकी अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो जाए तो आप इसको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कर लीजिए। चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सबा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पढ़ाई। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो मेन सबसे पहले जो मैं आपको एक मेन बात बता दूँ कि हम कोई भी जब ज़ुबान सीख रहे होते हैं, ठीक है, वो सीखते हैं ताकि हमारी लाइफ में हमारे लिए बेहतरी आए। तो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम फोकस करेंगे कि हम कोई और बड़े बड़े सेंटेंसेस ना बोलें, कुछ और बड़ी बड़ी बातें ना करें, लेकिन ख़ुद को लेके हम खुद के लिए इंग्लिश किस तरह से बोलें, ठीक है। यानी स्टार्टअप में हम स्टार्ट करेंगे खुद को लेके, यानी हमें क्या चाहिए, किस तरह से हमने खुद को लेके चल। तो ये चार टेंसेस जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप इन पे सबसे मेन फोकस रखें, अपनी जो प्रैक्टिस स्किल्स है, सबसे पहले जब आप ग्रामर को देखें तो आप इन चार सेंटेंसेस को मेन फोकस पे रखें, जिसमें के नंबर वन प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों? क्योंकि मैं खुद को लेके उसमें बात करूँगी, ये करती हूँ, मैं ये नहीं करती, मैं ये क्यों करती हूँ, यानी खुद को लेके सवाल करें। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहलाते हैं, साथ के साथ प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव भी साथ आ जाएंगे। यानी मैं ये करती हूँ, मैं ये नहीं करती, मैं ये क्यों करती हूँ, खुद को लेके सवाल करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी जिन टेंसेस पे हमने फोकस करना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस पे हमने फोकस करना है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, यानी हम किसी को भी कोई स्टोरी टेलिंग जब हम करते हैं तो हम किसी को पास्ट की स्टोरी सुनाते हैं, मैं ये करती थी अब मैं ये करती हूँ, मैं पहले वो करती थी अब मैं ये करती हूँ। यानी कि दो टेंसेस कौन से हो गए जिन पर हमने फोकस करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। अब इन दोनों के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं ये कर रही हूँ, आई एम ईटिंग मैं खाना खा रही हूँ, आई एम स्लीपिंग मैं सो रही हूँ, यानी ये भी खुद से रिलेवेंट सेंटेंस हो गया, खुद से रिलेवेंट टेंस हो गया, यानी खुद को लेके मैंने ये इस पर फोकस करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। मुझे फ्यूचर की बात करनी है, किसकी बात करनी है, फ्यूचर की, तो अब मैं कौन से टेंस की प्रैक्टिस करूँगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट। इन चार टेंसेस की सबसे पहले हम प्रैक्टिस करें। 12 टेंसेस सीखने हैं, 12 टेंसेस की एक वीडियो, एक डिटेल वीडियो मैंने पोस्ट की थी इस चैनल पर, जिसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, साथ साथ ऊपर आई कार्ड में भी आपको शो हो रहा होगा, आप वो 12 टेंसेस वहाँ से सीख सकते हैं। जिसने इन चार टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, वहाँ 12 टेंसेस आप वहाँ से भी सीख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो चलिए अब हम इन चार टेंसेस को ले कर खुद की नॉर्मल रूटीन में किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब यहाँ देखिए कुछ वर्ब की फॉर्म्स आपको शो हो जाएंगी, ठीक है, जिनको लेके हम बात करेंगे। अब जैसे है थिंक, थिंक, से, नीड, सी,
वर्क, ये वर्क की कुछ फर्स्ट फॉर्म है, आप इनको देखिए। अब क्योंकि हमने बात की थी हम चार टेंसेस की जो के बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला है यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो हम किस तरह से बनाते हैं, जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है पर सिंगुलर पर्सन है तो उसकी वर्ब की फॉर्म में एस और ई एस का एडिशन करते हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका सिंगल फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और चीज़ जो आज सबसे पहला वर्ड हम सीखेंगे वो है आई, आई मी मैं, ठीक है। यानी सबसे पहले हम उर्दू में जो हम मैं बोलते हैं तो हम इस मैं को भूल जाएंगे और हम याद रखेंगे आई। इंग्लिश में हमने इसको कैसे यूज़ करना है, आई। अब इसी इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस हम करेंगे इन्हीं गिवन वर्ब की फॉर्म्स के साथ, ठीक है। अब इन तमाम वर्ब के फॉर्म के साथ आप आई लगा दें। आई से मैं बोलती हूँ, आई नीड मुझे ज़रूरत है, आई प्ले मैं खेलती हूँ, आई गो मैं जाती हूँ, आई पे मैं पे करती हूँ, आई सी मैं देख सकती हूँ, आई वॉक मैं चलती हूँ, आई एग्री मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये छोटे छोटे सेंटेंसेस से जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। बड़ी बड़ी मुश्किल इंग्लिश में जाने के बजाय कोशिश करें कि छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा भी बेशुमार जो है वर्ब की फॉर्म है, आप उनके आगे आई लगा लगा के प्रैक्टिस करें बोलने की, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब इन्हीं वर्ब की फॉर्म को लेके हम नेगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम आगे डू नॉट लगा देते हैं, यानी हर चीज़ हम मना कर देते हैं कि हम नहीं करते। आई डू नॉट डू दिस, आई डू नॉट डू डैट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद इन दी एंड हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट तो अब जैसे कि हमने एक नॉर्मल सेंटेंस लिया था दैट इज़ आई थिंक, ठीक है। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो आई डू नॉट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? मैं सोचती हूँ, आई थिंक। मैं नहीं सोचती, आई डू नॉट थिंक। कोई आपसे पूछे क्या क्या आप सोचती हैं, आई थिंक। तो इस तरह से जब आप खुद को लेके इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल रूटीन को लेके आप कोशिश करेंगे कि आप उनको किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इंग्लिश सीखने के लिए। अब इसी वर्ब की फॉर्म को लेके चलेंगे, किस तरह से, आई थिंक, आई डू नॉट थिंक, आई से, आई डू नॉट से, आई डोंट नीड, आई डू नॉट नीड, प्ले, आई डू नॉट प्ले, गो, आई डू नॉट गो। नॉट को आप शॉर्ट में डोंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई डोंट को, आई पे, आई डोंट पे, आई सी, आई डोंट सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरह इसको सेंटेंसेस को अब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक सेंटेंस की जो कि था आई डू नॉट थिंक। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करते हैं, ये डू डिड जो भी आपके इसमें लगा हो आप उसको स्टार्ट में ले आते हैं, सब्जेक्ट आता है उसके बाद, नॉट को हम कट कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। किस तरह से, एक सेंटेंस था नॉर्मल आई थिंक, नेगेटिव हमने उसका बनाया आई डू नॉट थिंक, उसके बाद हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम लिखेंगे डू आई थिंक, यानी कि नॉट हमने अब नेगेटिव सेंटेंसेस से कट करके नीचे ले आए और इसमें हमने क्या लिखा, आई डू आई थिंक, क्या मैं सोचती हूँ। यहाँ से का आई से, गेटिंग माई पॉइंट्स? इस तरह से ये तमाम वर्ब्स की आप फॉर्म में इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, आप ये सब पुट करके और देखें कि आप किस तरह से नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये कुछ फॉर्म्स हैं सेकेंड फॉर्म वर्ब की, सेकेंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वी टू बी इसे कहते हैं, वी एफ टू बी इसे कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं लेकिन ये कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और पास्ट सेंटेंसेस में यूज़ कर। आई थॉट सिंपल, मैं सोचती थी, ठीक है। अब इसी को लेके जब हम इसका
नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, नेगेटिव में हम डिड नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट डिड नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हमने डिड नॉट लगा दिया तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डिड का मतलब यही है कि ये पास्ट है, तो डिड लगाने के बाद हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हमने ये लगाया एंड हमने इसको लिखा तो वो किस तरह से था, आई डिड नॉट थिंक। और इसका जब हमने इंट्रोगेटिव बनाया तो हमने बनाया डिड आई थिंक, डिड आई थिंक। Are you getting my? इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये तमाम वर्ब की फॉर्म के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए कि इन तमाम वर्ब्स की फॉर्म की प्रैक्टिस आप किस तरह से कर सकते हैं और इनको बोलने की कोशिश कीजिए, ना कि आप साथ के साथ प्रैक्टिस करें, इनको बोलने की कोशिश कीजिए। क्या अब जो हमारा थर्ड टेंडेंस था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, सोचना, मैं सोचती हूँ, मैं सोच रही हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? प्रेजेंट कंटिन्यूस, रही हूँ, रहा है, ये एक ऐसा सेंटेंस जो अभी मैं काम कर रही हूँ, इन प्रोसेस है, इन कंटिन्यूस प्रोसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूस फर्स्ट वर्ब की फॉर्म के बारे में एग्जाम्पल दूंगी आपको, ठीक है। जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो अब इसी थिंग को हम लेके चलेंगे और सब्जेक्ट आपका हो गया, उसके साथ इज एम आर आप लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द वर्ब। ये तमाम टेंसेस की वीडियो आप देख सकते हैं इन डिटेल्स, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं कौन से नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वर्बली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ से ले लें कि इज एम आर लगाना है आपने, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो एडिशन होगी वो होगी आईएनजी की, आईएनजी। जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हम आईएनजी की बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक, थिंक के आगे आईएनजी लगा देंगे तो थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, I am not thinking, negative, am I thinking, helping verb आ गया start में, subject plus verb की first form, affirmative, negative and the third one is interrogative sentences। खुद को लेके सवाल करें, खुद को लिखें, खुद को पढ़ें, फिर खुद बोलने की practice करें। इसी तरह से बिल्कुल लास्ट डेट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट विल और शैल हम लगाते हैं, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थिंक आई विल थिंक, मैं सोचूंगी, आई विल नॉट थिंक, मैं नहीं सोचूंगी, विल आई थिंक, क्या मैं सोचूंगी। रिगार्डिंग माई पॉइंट्स, विल से मैं बोलूंगी, आई विल नॉट से मैं नहीं बोलूंगी, विल आई से क्या मैं बोलूँ। गेटिंग माई पॉइंट्स, दीज आर फोर सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट। इन चार की प्रैक्टिस आप कर लें इन रिटन, वर्बली, मिरर के आगे, कहीं भी किसी के सामने बोलने की कोशिश करें। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश आप लोगों ने सीखनी है। अब ये प्रैक्टिस आप करेंगे, आप लोग सीखेंगे, आप लोग समझेंगे, आप लोग जब तक खुद को फोर्स नहीं करेंगे, टाइम नहीं निकालेंगे खुद के लिए तो नहीं आएगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ लिख के बता दूं कि आप लोगों को कुछ भी करना होता है ना ज़िंदगी में, कुछ भी करें, जब तक आप अपनी लाइफ में खुद को लेके डेडिकेटेड नहीं रहेंगे आप वो काम नहीं कर पाएंगे। आप हर चीज़ स्किप कर देंगे कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा। जब भी आपसे कोई काम ना हो आप खुद को कहें कि नहीं, मैंने ये करना है, एंड आई विल डू दिस, मैं ये करके ही रहूँगी, ठीक है। सो ये जो मैंने आप लोगों को कुछ हेल्पफुल टिप्स बताई हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, घर में कीजिए, रजिस्टर को लेके कीजिए, मिरर के आगे कीजिए, किसी बच्चे को अगर आप सिखा रहे हैं तो उसको सिखाइए, लाइक इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश सीखते सीखते मुझे भी याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इसको फॉलो कर लें, ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।